हेलो बच्चों, मैं रामलाल कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धौलपुर से। आज कक्षा 11 का ये हमारा दूसरा वीडियो है बेटा, लेक्चर 2 है, जो हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड। वो काव्यखंड में आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास जी को। ठीक, पहले वीडियो में संत कबीरदास जी द्वारा रचित जो शाखी पढ़े थे हम, ठीक है, आज कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली पढ़ते हैं बेटा। जो उनका पहला पद है उस पे आज हम चर्चा करते हैं बेटा, देखते हैं। आओ देखते हैं सभी लोग। देखिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो किताब अवश्य पास में रख लिया करें, ठीक बेटा। देखते हैं, पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कहे त्रसा बुझाई, भोजन कहे भूज जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरत आवे, साची प्रीत विषय माया सु हर भक्तन सुहासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे, उपजय बांधव जमपुर जासी। ठीक, तो देखते हैं बेटा इसका हम पहले भावार्थ देखते हैं। ठीक बेटा, देखिए पहले ही बता दिए कि कोई पैराग्राफ आएगा तो उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे और उन 5 प्रश्नों का उत्तर इसी पैराग्राफ से आपको देना है। ये जितनी पंक्तियां हैं इन्हीं पंक्तियों से उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम उन उत्तरों को जानने के लिए आज इस उन प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए सबसे पहले हम इसका भावार्थ देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, तभी हम उन प्रश्नों के उत्तर इससे ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक बेटा, तो आओ इसकी व्याख्या करते हैं। तो संत कबीरदास जी ने क्या कहा है बेटा कि पंडित बाद बदनते झूठा। यहाँ पर जो समाज में जो बहुत सारे आडंबर व्याप्त थे, या इस समय आधुनिक समय में भी तमाम सारे आडंबर हमारे समाज में व्याप्त हैं, ठीक, तो इन और संत कबीरदास जी के समय में तो बहुत ज़्यादा समाज हमारा इन आडंबरों से ग्रसित था, ठीक, प्रताड़ित था। तो इन्होंने बहुत खुलकर विरोध किया था, समाज में जितने आडंबर थे उसका इन्होंने बहुत खुलकर विरोध किया था। तो ये ईश्वर के निराकार स्वरूप के उपासक थे, ठीक, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो इन्होंने जो समाज में जितने भी आडंबर छुआछूत तो जितने पूजा पाठ से संबंधित जितने भी आडंबर थे इन्होंने उसका खुलकर विरोध किया था। तो इन जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में उसी बात का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गत पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो हमारे पंडितों ने अर्थात जो विद्वानों ने, पंडित माने कोई जात विशेषता ये शब्द नहीं बेटा, पंडित का अर्थ होता है विद्वान, अर्थात जो बहुत विद्वान होता है, ठीक, जो बहुत कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। ये पंडित कोई जात विशेष नहीं है, इसलिए कबीरदास जी ने कहा जो भी विद्वान है, जो भी विवेकी पुरुष हमारे समाज में जो सबसे श्रेष्ठ जन है, ठीक, उनकी बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने जो समाज को आडंबरों से घेर रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, कि जो हमारे पंडितों ने जो बातें बताई हैं, ठीक, जो समाज को हमारे पंडितों ने हमारे विद्वानों ने जो बातें बताई हैं वो बातें क्या हैं, झूठी हैं। अगर वो सत्य हैं तो उसका कुछ उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया गया कि उन्होंने जो बातें बताई हैं अगर वो बातें झूठी नहीं है सत्य हैं तो ये हमारे द्वारा कही गई बात भी ये सत्य होना चाहिए। आगे निचले पंक्ति में क्या लिखा है, राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। फिर संत कबीरदास जी क्या कहते हैं, अगर राम राम कहने से दुनिया गति, गति का मतलब होता है
कि संसार से मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, ठीक, इसे क्या कहते हैं कि मतलब मुक्ति मिल जाए, ठीक। तो क्या कहते हैं कि राम राम कहने से, जो हमारे पंडित जन है अर्थात जो विद्वान जनों ने क्या बताया है कि राम राम कहो, राम राम कहने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी ने क्या कहा है कि राम कहे दुनिया के पर, कह रहे हैं कि राम राम कहने से अगर संसार दुनिया को मुक्ति, गत मीन्स गत का अर्थ होता है मुक्ति, अर्थात जिसको मुक्ति मिल जाए अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो खाण कहे मुख मीठा, खाण का मतलब होता है मिठाई, ठीक बेटा, क्या होता है मिठाई, अगर मिठाई मिठाई कहने से, अगर राम राम कहने से अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, तो मिठाई मिठाई कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए, ठीक। क्या कहा है संत कबीरदास जी ने कि राम राम कहने से अगर मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो मिठाई मिठाई कहने से हमारा मुख मीठा हो जाए, अर्थात हमको मिठाई की स्वाद मिल जानी चाहिए। फिर नीचे वाली पंक्ति में क्या कहा है कबीरदास जी ने, पावक कहे पाँव जे दाधे, जल कहे तृषा बुझे। क्या कहा है, पावक का अर्थ होता है बेटा आग, कह रहे हैं कि अगर आग आग कहने से हमारा पैर जल जाए, ठीक, पाव जे दाझे, दाझे में तो जलना, कह रहे हैं अगर आग आग कहने से हमारा पैर जल जाए, ठीक, और जल जल कहने से, जल कहे तृषा बुझे, तृषा मीन्स होता है प्यास, पिपासा, ठीक, कह रहे हैं कि अगर पानी पानी कहने से हमारी प्यास बुझ जाए। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि भोजन कहे भूज भूज जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए। क्या कहते हैं कि अगर हमको भूख लगती है, ठीक, का संत कबीरदास जी क्या कहते हैं, अगर हमको भूख लगती है तो हम भोजन भोजन कहें या खाना खाना कहने से हमारी भूख जो है शुदा जो है तृप्त हो जाए, अर्थात हमारी भूख मिट जाए, तो सब कोई तिर जाए। कह रहे हैं कि अगर कैसा कहने से हमारी प्यास मिट जाए, हमको मिठाई का स्वाद आ जाए, हमारा आग आग कहने से पैर जल जाए, खाना खाना कहने से हमारी भूख मिट जाए, अगर ऐसा होता है तो राम राम कहने से सारा संसार अर्थात संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। तिर जाना मतलब तर जाएंगे, तर जाने का मतलब सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। आगे क्या संत कबीरदास जी ने लिखा है अगली पंक्ति देखिए, नर के साथ सुआ हरि बोले, हर प्रताप न जाने, ठीक। क्या कह रहे हैं संत कबीरदास, नर के साथ, नर में का अर्थ होता है मनुष्य, ठीक, सुआ का अर्थ होता है तोता, देखते हैं ना सभी लोग गांव में तोता पालते हैं, और क्या कहते हैं पट्टे पढ़ो सीताराम, सिखाते हैं ना कि पट्टे पढ़ो सीताराम, तो क्या कहते हैं नर के साथ सुआ हर बोले, कह रहे हैं कि मनुष्य लोग तोते को क्या सिखाते हैं, पट्टे पढ़ो सीताराम, सीताराम उसको सिखाते हैं, ठीक। तो संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हर प्रताप न जाने, कह रहे हैं कि मनुष्यों के साथ जो तोता है वो हरि का नाम लेता अर्थात भगवान का नाम लेता अर्थात भगवान राम का नाम लेता है, मगर हर प्रताप न जाने, मगर वो जो भगवान राम है अर्थात जो ईश्वर है उनके प्रताप को नहीं जानता, उनकी शक्ति को नहीं जानता, उनके विषय में नहीं जानता है कि ये राम है कौन, ठीक, केवल वो इतना जानता है अगर उससे कहोगे पट्टे पढ़ो सीताराम तो ये सीताराम नहीं कहेगा, वो भी कहेगा पट्टे पढ़ो सीताराम, ठीक, तो हर के प्रताप को नहीं जानता है। फिर आगे नीचे वाली पंक्ति में, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आवे, क्या कहते हैं संत कबीर जाए, वही सुअर वही तोता अगर किसी प्रकार से पिंजड़े से अगर उसे मुक्ति मिल गई अर्थात वो छूट गया और वो उड़ गया पिंजड़े से, फिर वो जंगल में पहुंच गया अपने साथियों के साथ पहुंच गया, तो फिर बहुर न सुरते आवे, फिर दोबारा उसे सीताराम की याद नहीं आएगी, वो हरि को भूल जाएगा, उस नाम को भूल जाएगा और अपने समाज में मिल जाएगा, ठीक बेटा। आगे देखिए, सांची प्रीत विषय माया सु हर भक्तन सु हासी, क्या कहते हैं कि यहाँ मनुष्यों के बारे में कहा है संत कबीरदास जी ने कि सच्ची प्रीत मनुष्यों को किससे होती, विषय माया से, जो माया रूपी जो माया है धन दौलत है यहाँ समाज में जो विषय वासनाएं हैं, सच्ची प्रीत तो मनुष्य की किससे होती है, विषय और माया से होती है, जो सामाजिक विषय वासना है माया है उससे होती है सच्ची प्रीत, मनुष्य उसी से सच्ची प्रीत करता है, उसी से लगाव रखता है, हर भक्तन सु हासी, और कहते हैं क्या, जो हर के भक्त हैं अर्थात जो ईश्वर के भक्त हैं ईश्वर को मानने वाले हैं
उसका क्या करते हैं, उस पर हंसते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसकी कोई उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं। फिर आगे कबीरदास क्या कहते हैं, कहा है कबीर प्रेम नहीं उपजय उपजय बांधो जमपुर हम जासी। क्या कहते हैं कबीरदास कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी प्रिय जिनका प्रेम विषय वासना और माया से है और जो हर के भक्त अर्थात जो ईश्वर के भक्त हैं जो ईश्वर को मानने वाले हैं उन पे जो हंसी करता है उनकी जो उनका जो मजाक बनाता है समाज में, ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों को कबीरदास जी कहते हैं उनके हृदय में कभी मनुष्य के प्रति मानवता के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे मनुष्य ही बांधो जमपुर जासी, ऐसे ही मनुष्य यमराज के द्वारा बांध करके नर्क को ले जाया जाते हैं अर्थात ईश्वर के पास ले जाया जाते हैं। कैसे व्यक्ति ले जाया जाते हैं, जो ईश्वर के भक्तों पर हंसते हैं अर्थात मानवता के प्रति जिनमें प्रेम नहीं होता है वही मनुष्य कहाँ ले जाया जाते हैं, वही यमराज के द्वारा बांध करके और ईश्वर के पास अर्थात नर्क को ले जाया जाते हैं। ठीक बेटा, इसको समझ गए आप? ठीक, अब देखिए इससे संबंधित 5 प्रश्न आपको निकालना है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा, ठीक, सबसे पहला ये प्रश्न होगा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। ठीक, पहला प्रश्न क्या होगा बेटा, प्रस्तुत पद्यांश अर्थात ये जो पद्यांश अर्थात जो पंक्तियां हैं या प्रस्तुत पंक्तियों के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, तो क्या है, अब ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसके पाठ का नाम लिखना है, पाठ का नाम क्या है, पदावली है, इसके लेखक कौन है, संत कबीरदास जी हैं, या आपको संदर्भ लिख देना है, वही बात है जैसे संदर्भ पूछा है, आप पूछ सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए या प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, यह आपका पहला प्रश्न हो गया। ठीक बेटा, अब दूसरा प्रश्न क्या आएगा, दूसरा प्रश्न आएगा, देख पहला प्रश्न तो यह आ गया पक्का सब में आएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अरे तुम्हारी ये 7-8 लाइन की जो पंक्तियां हैं, ठीक बेटा, इसमें से किस कोई एक पंक्ति रेखांकित होगी। ठीक, कोई भी पंक्ति हो सकती है। ठीक, जैसे ये पंक्ति हो गई रेखांकित, ऐसे नीचे लाइन खींची होगी, तो प्रश्न क्या होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इन पूरे पैराग्राफ में कौन सी पंक्ति रेखांकित है, अब इस पंक्ति ये पंक्ति रेखांकित है, अब इसकी ही व्याख्या लिखना है। ठीक, पूरे की व्याख्या नहीं लिखना बेटा, केवल इसकी व्याख्या लिखना है। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, ठीक, तीसरा प्रश्न आ सकता है, जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि नर के साथ हर का नाम अर्थात ईश्वर का नाम कौन लेता है और उसके प्रताप को नहीं जानता है, तो क्या लिखेंगे, नर के साथ सुआ हर बोले हर प्रताप न जाने। ठीक, इसी लाइन में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, क्या लिखेंगे, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य के साथ तोता हर बोलता है और हर के प्रताप को नहीं जानता, तो कौन नहीं जानता है, तोता लिखना है। ठीक बेटा, फिर अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि मनुष्यों की सच्ची प्रीत किससे होती है, हाँ, तो यहाँ है सच्ची प्रीत विषय माया से। ठीक, सच्ची प्रीत किससे मनुष्य करते हैं, विषय और माया से, जो विषय वासनाएं होती है, जो शारीरिक जो मतलब शारीरिक जो उपभोग किसी चीजें होती जो हमको सुख प्रदान करती हैं। ठीक, विषय वासना और माया धन दौलत से सच्चा प्रेम होता है। ठीक, तो ये लिखना है। ठीक, फिर क्या लिखना है कि अगर प्रश्न आ जाएगा, ठीक, ये हो गया चौथा प्रश्न हो गया बेटा, हाँ, अब पांचवा प्रश्न आ सकता है कि जमपुर अर्थात यमपुर में या यमराजों के द्वारा बांध कर कौन ले जाया जाता है, तो आपको क्या लिखना है, ऐसे मनुष्य जो विषय वासना और माया से प्रेम होता है और हर के भक्तों के हर को मानने हर को या ईश्वर को मानने वाले व्यक्तियों को पर जो हंसते हैं, ऐसे व्यक्तियों ऐसे व्यक्ति यमराज के द्वारा बांध कर ले जाए जाते हैं। ठीक बेटा, तो ऐसे प्रश्न आएंगे, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप इससे बहुत प्रश्न बना सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति से दो दो तीन तीन प्रश्न बनते हैं बेटा। ठीक, तो ये जरूरी नहीं कि जो प्रश्न बुक में हो या जो हम बता दें वही आएगा, ये आपका पैराग्राफ है, इससे आप खुद प्रश्न बनाइए, इससे 50 प्रश्न आप बनाइए। ठीक, इतने प्रश्न बनाइए कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो इससे ज़्यादा प्रश्न इससे बना ही नहीं पाया, तो कहाँ से पूछेगा। आप अपने मन से पढ़ लीजिए, इसका भावार्थ हमने बता दिया, अर्थ आप समझ लीजिए, फिर अपने मन से इससे क्वेश्चन बनाइए, प्रत्येक लाइन से 2-3 क्वेश्चन बनाइए, क्या क्वेश्चन पूछेगा अगर आ जाएगा परीक्षा में। ठीक बेटा,
तो अब इससे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। ठीक बेटा, तो अब हम देखते हैं इनका जो अगला पद है, ठीक, पदावली का, उसको हम देखते हैं बेटा।